हेलो दोस्तों, भारत के हर कोने में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और हर मंदिर में आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी। देश के हर मंदिर में भक्त द्वारा किए गए खुले मन से दान से मंदिरों की संपत्ति अरबों खरबों में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर के बारे में। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के सबसे अमीर मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर केरल प्रांत की राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम शहर के बीच स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्राचीन और द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है तथा ऐसा माना जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कुल संपत्ति 1,00,000 करोड़ है। मंदिर के बीच में भगवान विष्णु की सुंदर व विशाल मूर्ति रखी गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है और भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला की अद्भुत उदाहरण है। इस तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जी निवास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तिरुपति मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमाला के पहाड़ों पर स्थित है। तिरुमाला की पहाड़ी विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ी मानी जाती है। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं और इस मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ बताई जाती है। नंबर 3, श्री जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर एक हिंदू मंदिर और जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है और जगन्नाथ मंदिर लगभग 4,00,000 वर्ग फुट में फैला है। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत को भारत के 5 अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान को मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है। नंबर 4, साईं बाबा मंदिर। आज से करीब 70 साल पहले बनवाया शिरडी साईं बाबा मंदिर एक प्रसिद्ध स्थान है, जो कि 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर सबसे बड़े साईं बाबा मंदिरों में से एक माना गया है। साईं बाबा एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। उन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। साईं बाबा मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। साईं बाबा मंदिर की संपत्ति और आय दोनों ही करोड़ों में है। इस मंदिर में हर साल लगभग 350 करोड़ का दान भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के प्रभा देवी में स्थित सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1801 में विट्ठू और देवूबाई पाटिल ने किया था। इस मंदिर में सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग आते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की महिमा अपरंपार है। माना जाता है कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की वार्षिक आय 46 करोड़ रुपए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।